जयपाल सिंह मुंडा का मैराथन के जयपाल सिंह मुंडा का जयंती के अवसर पर सरना धर्म महासम्मेलन होने जा रहा है और इस सरना महासम्मेलन में हमारे बीच में अध्यक्षता कर रहे हैं पृथ्वी माझी जी, इंटरनेशनल संताल काउंसिल के नरेश मुर्मू जी, धर्मगुरु बंदन तिगा जी, मणिलाल क्रिकेटा जी, वीरेंद्र भगत जी, साथ ही पंडित रघुनाथ मुर्मू के पोते भीमवार मुर्मू जी, सुशील भारवा जी और टीएससी के मेंबर दिशा तिर्की जी और तमाम सरना कोड के लिए हर इलाका से आए हुए तमाम लोगों को हार्दिक अभिनंदन और जोहार करते हैं। आपको ये एक चीज बता देना चाहते हैं कि आज का ये महासम्मेलन निश्चित रूप से एक मिसाल होगा और ये पूरे धरती पर जो है मानव समाज के लिए धर्म साबित होगा सरना धर्म। इसलिए कि आज का ये सरना महासम्मेलन का अध्यक्षता पृथ्वी माझी जी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये पृथ्वी के लिए धर्म होगा, पृथ्वी में रहने वाले सारे मनुष्य का धर्म होगा, ये एक साबित करने जा रहा है। तो आज जो है हम लोग इसी चीज की कड़ी में पूरे भारत देश के अंदर में नरेश मुर्मू के नेतृत्व में पूरे इलाका में घूम रहे हैं, हम लोग बंदन तिगा के नेतृत्व में घूम रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं कि एक दुनिया के अंदर की प्रकृति कैसे बचेगी, सरना कैसे बचेगा, लोगों का जीवन कैसे बचेगा, इसकी एक जो है लोगों के बीच में जो है संपर्क हम लोग साध रहे हैं। बड़ा चिंताजनक विषय है जिस देश के अंदर में मात्र 44 लाख लोगों को जैन को जो है मान्यता मिला है, धर्म कोड दिया गया है, लेकिन करोड़ों लोगों का आस्था जो सरना में रखने वाले लोगों के लिए ये जो है कोर्ट से वंचित किया है, ये केंद्र सरकार के लिए भी महंगा साबित होगा। और एक चीज हम बता देना चाहते हैं हम आप लोगों को कि ये आज जयपाल सिंह मुंडा जी का जयंती है और जयपाल सिंह मुंडा ने कहा कि हमको अनुसूचित जनजाति नहीं कहा जाए और हमको जो है आदिवासी कहा जाए। हम इस देश के मूल नागरिक हैं, इस देश के आदिवासी हैं और आज जो है हम लोगों को प्राण और संकल्प लेने का दिन है और हम लोग आज यहाँ से जाएंगे तो अपने को रिकॉग्नाइज कराने के लिए आदिवासी जो है शब्द बोला जाए और कानूनी मान्यता मिले, क्योंकि संविधान में हमको ये आदिवासी का शब्द नहीं दिया गया, कानूनी मान्यता नहीं मिला, तो इसकी भी लड़ाई हम लोगों को करना है। आपको ये चीज जो है बताना चाहते हैं, इस धर्म निरपेक्ष देश में सभी धर्मों का हम लोग आदर कर रहे हैं, लेकिन हमको जो है इस देश के अंदर में हमको वंचित भी नहीं किया जा सकता, हमको नकारा नहीं जा सकता, हमको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। करोड़ों लोग इस जो है प्रकृति के पूजक लोग हैं, हम प्रकृति के पुजारी हैं, हम उन पर आस्था रखते हैं, हमारा आस्था के साथ इस धर्म निरपेक्ष देश में आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ये एक बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आज जो है हम लोग इस बंगाल की धरती से एक मील का पत्थर साबित होगा, एक उदाहरण बनेगा, एक मिसाल बनेगा और विशाल आंदोलन भी कड़ा होगा और दिल्ली जाना पड़े तो दिल्ली जाएंगे हम लोग। पंजाब में किसानों ने 2 महीना से लगातार दिल्ली को जाम किया हुआ है, जब इस देश के संपूर्ण आदिवासी जाग जाएंगे तो दिल्ली तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा जाम होगा सरना के लिए। पूरी तरह से जो है ये स्थिति पैदा करने के लिए ही हम लोग तमाम इलाका में हम लोग जो है जा रहे हैं और ये आदिवासी के लिए जयपाल सिंह मुंडा हमारे एक आइकॉन है, पंडित रघुनाथ मुर्मू है, कार्तिक उरांव है। और आपको ये चीज बता देना चाहते हैं कि लाखों मुद्रा है, ये तमाम सभी लोगों की गठजोड़ हो मुंडा संताल उरांव कड़िया भूमि तमाम तरह के आदिवासियों को एकजुट करने की जो है
कोशिश की जा रही है कि आदिवासियों की एक पहचान हमको मिले। मैं आपको ये आदिवासी विद्रोह होने के नाते आदिवासियों का अंग्रेज लोगों के खिलाफ जो विद्रोह किया था अंग आदिवासियों ने और ब्रिटिश हुकूमत को भी परास्त किया था तो आदिवासियों ने किया था। और पूरी तरह से ये बता देना चाहते हैं कि आदिवासी एकता अगर हुई तो केंद्र सरकार आप जो है कहीं के नहीं रहिएगा और पूरी तरह से आपको सरना कोड के लिए बाध्य कर देंगे। आदिवासी इस देश के असली नागरिक है, असली मालिक है, इस धरती के मालिक है। आपको जो है देना पड़ेगा इसी पहचान की लड़ाई के साथ। हम अंत में इतने ही बोलना चाहेंगे, जगी हुई कौमों के दिलावर सोया नहीं करते। क्या चीज? जगी हुई कौमों के दिलावर सोया नहीं करते, हम छीन लिया करते हैं, मांगा नहीं करते। तो हम लोग छीन करके भी जो है हासिल करेंगे। ये चीज के साथ ही मैं आज के इस सभा का, इस सम्मेलन का आयोजक जो है, चाहे सिद्धलाल मुर्मू जी हो और जो है आपके मंगल सोरेन जी हो, उनके शुक्रगुजार हैं कि आज हम सभी लोग, तमाम तरह के हो, मुंडा, संताल, उराव, जो पश्चिम बंगाल से रहने वाले तमाम प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। और आज हम लोग ये निर्णय लेंगे, प्रस्ताव लेंगे कि हमको आदिवासी बोला जाए, सरना कोड देना ही पड़ेगा और इस इलाके को पांचवी अनुसूची का दर्जा देने के लिए भी हम लोग सरकार से मांग करेंगे। और जयपाल सिंह का ये आज जन्मदिन एक बंगाल के लिए ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित हुआ है। मैं इन शब्दों के साथ ही तमाम सभी आए हुए प्रतिनिधियों को हुल जोहार। हमारे क्रांतिकारी साथी को तेज तर्रार पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबा को तहे दिल से आयोजन समिति को से धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार प्रकट करना चाहेंगे। अभी हमारे बीच पधारे हैं हमारे मित्र, बहुत ही जुझारू बंगाल सरकार के।